no! No, 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 no. करता हूं दोस्तों अपने जानकारी लो फटाफट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो आपने स्टार्टिंग में मेरी वीडियो देखी है तो इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, तो इस वीडियो की एडिटिंग करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरीके से इस वीडियो को बनाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काइन मास्टर का लिंक पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। चलते हैं काइन मास्टर की ओर, वहीं पर बताता हूँ अगला प्रोसेस किस तरीके से इस वीडियो को एडिट करना है। तो जैसे ही कॉइन मास्टर को ओपन करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 16.9 पे क्लिक कर देना है। 16.9 पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपको जो कैमरे से आपने वीडियो को शूट किया है तो उस तरीके से आपको वीडियो को शूट कर लेना है। तो इस तरीके से वीडियो को शूट करने के बाद यहाँ पे आपको इस वीडियो को ले लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देना है। तो एडजस्टमेंट पे क्लिक इसको फुल कर देना है, इससे ये होगा कि आपकी वीडियो की क्वालिटी जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में आ जाएगी। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मैंने नीचे की ओर देखा है तो यहाँ से आपको लेयर का ऑप्शन मिलेगा। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मीडिया पे चले जाइएगा और ये ग्रीन स्क्रीन का। तो इस वीडियो को लेने के बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पार्ट मिलेगा, उसको जो थोड़ा सा यहाँ से वीडियो कट कर देना है, इसे लेयर को आगे की ओर बढ़ा लेंगे। ये दूसरा वाला इफेक्ट जहाँ से चालू होता है वही वाला हमें इफेक्ट लेना होगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि दूसरा वाला एक इफेक्ट चल के जो दूसरा इफेक्ट चालू होगा वही इफेक्ट मुझे यहाँ से लेना होगा। जैसे ये वाला इफेक्ट मुझे यहाँ से लेना होगा। तो यहाँ से मैं इस वीडियो को कट कर देता हूँ, इस वीडियो को पूरा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जूम कर लेना है और इस तरीके से जूम करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसका क्रोमा की निकाल चाहिए। लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको आपको अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करने के बाद ये आपका ग्रीन स्क्रीन इस तरीके से हट जाएगा। अब ग्रीन स्क्रीन हटने के बाद अब दोस्तों इस पर जो है हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कलर फिल्टर का। तो इस कलर वाले फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वाइट कलर फिल्टर को चूज़ कर लेंगे ताकि इसका जो कलर थोड़ा सा हल्का सा वाइट हो जाए। तो इस तरीके से चूज़ करने के बाद अब दोस्तों यहाँ से हमें इस वीडियो को कट कर देना है। तो यहाँ कैची वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ टेम टू, तो जहाँ तक हमारी वीडियो लगी है वहीं तक हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वीडियो बनकर कुछ ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, भागना चाहते हो भाग लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे आपको गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे आपको जो है, और एक बार मैं आपको बता दूँ इसमें अगर आईडियो अपने हिसाब से कोई डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके आईडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से अपनी गैलरी से डाउनलोड जो किए आईडियो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से कोई भी आईडियो सेलेक्ट कर सकते हैं और भरपूर मनोरंजन उठा सकते हैं। गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे शेयर वाला आइकन दिखेगा, इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे एक्सपर्ट पर क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए।